अरे दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय बीसीआईबी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से हम लोग बात कर रहे हैं। एसबीआई प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से जेएमजीएस वन ऑफिसर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ मेरे पास एसबीआई प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से जेएमजीएस वन ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे आपको प्योर प्योरली फॉर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर से सारी वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट हो जाएगा 8 सितंबर 8 अक्टूबर 2024 का, R1 की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट का प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको मैं स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है, ये ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड एज पर सेक्शन 24(2)(a) ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट। मतलब सेक्शन स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो जो है ये जरूरी मेंटेन करना इस पर सेक्शन 24(2)(a) ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट के तहत। बी ऑप्शन है मैक्सिमम एसएलआर कुड बी ऑफ 40%, ज़्यादा एसएलआर 40% हो सकता है। सी ऑप्शन है कैलकुलेटेड ऑन नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, जिसको कैलकुलेट किया जाता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के ऊपर। बी ऑप्शन है ऑल द अबव, सारी बातें सही है। क्या हो जाएगा स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो जो है आपका वो जरूरी होता है मेंटेन करना इस पर सेक्शन 24(2)(a) बैंक रेगुलेशन एक्ट, बात सही है। फिर जो मैक्सिमम एसएलआर हो सकता है 40%, ये भी सही है। कैलकुलेट किया जाता है डिमांड लाइबिलिटीज और टाइम लाइबिलिटीज के ऊपर, बात भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, व्हाट डज कैमल स्टैंड फॉर, कैमल किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। ऑप्शन है कैपिटल एडुकेसी एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट अर्निंग्स लिक्विडिटी सिस्टम्स। बी ऑप्शन हो जाएगा कैपिटल एडुकेसी एडवांसेज मैनेजमेंट अर्निंग्स लिक्विडिटी सिस्टम। सी ऑप्शन हो जाएगा कैपिटल एडुकेसी एसेट क्वालिटी मार्केटिंग ऑफ बैंक प्रोडक्ट्स बैंक्स लिक्विडिटी सिस्टम। डी ऑप्शन हो जाएगा कैपिटल एडुकेसी एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट अर्निंग्स लोन पोर्टफोलियो सिस्टम। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा ए, कैमल्स का जो फुल फॉर्म हो जाएगा कैपिटल एडुकेसी एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट अर्निंग लिक्विडिटी सिस्टम्स, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, बैंक कैन नॉट सेंक्शन लोन्स, बैंक यहाँ पे सेंक्शन नहीं कर सकता है लोन, ये ऑप्शन है अगेंस्ट देयर ओन सेल्स अपने खुद के शेयर्स के ऊपर। बी ऑप्शन अगेंस्ट टीडीएस टीडीएस के ऊपर। सी ऑप्शन अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक्स ऑफ किराना गुड्स, जो किराना गुड्स की जो सिक्योरिटी होता है उसके ऊपर। डी ऑप्शन हो जाएगा अगेंस्ट प्लेज ऑफ गुड्स, गुड्स को प्लेज करके। सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन हो जाएगा बैंक सेंक्शन नहीं कर सकता है लोन अपने खुद के शेयर के ऊपर, ठीक है, अगेंस्ट अपने खुद के शेयर से, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, बेसल कमेटी रिकमेंडेशंस आर, बेसल कमेटी रिकमेंडेशन क्या है। ऑप्शन है रिकमेंडेशंस ऑन मैनेजिंग रिस्क इन बैंक, रिकमेंडेशन बैंक पे रिस्क कैसे मैनेज करना। बी ऑप्शन है डील्स इंट्रालिया विद क्रेडिट रिस्क ऑपरेशनल रिस्क एंड मेनी रिस्क इन बैंक, डील करता है क्रेडिट रिस्क ऑपरेशनल रिस्क और दूसरे तरह के रिस्क के साथ। सी ऑप्शन है द न्यू सेट ऑफ रिकमेंडेशंस आर कॉल्ड बेसल 3, जो नया सेट का रिकमेंडेशन उसको हम बेसल 3 बोलते हैं। डी ऑप्शन है ऑल द अबव, सारी बातें सही है। तो क्या हो जाएगा, बेसल कमेटी का रिकमेंडेशन जो है रिकमेंडेशन जहाँ रिस्क बैंक में कैसे रिस्क मैनेज करते, सही है। बी ऑप्शन बोलता है डील करता है इंटरालिया क्रेडिट रिस्क ऑपरेशनल रिस्क और बहुत सारे डिफरेंट तरह के रिस्क के साथ, ये बात भी सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा जो नया सेट ऑफ रिकमेंडेशन उसी को बेसल 3 बोलना, सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, सारी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, इंटरेस्ट ऑन सी आर आर बैलेंस कैसे, जो बैलेंस पर जो इंटरेस्ट लगता है उस पर अलाउ जो करते हो किस पर अलाउ होता है। ऑप्शन है एट बैंक रेट, बी ऑप्शन नॉट अलाउड एट ऑल, सी ऑप्शन है अलाउड एट एस बी रेट, बी ऑप्शन है अलाउड एट मैक्सिमम पी एल आर ऑफ द कंसर्न बैंक। क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट जो होता है सी आर आर पर गिरता है, यानी कैसे जब रेशियो पे क्या अलाउड है वो अलाउड है। तो पहली बात, इंटरेस्ट होता है सी आर आर पे बैलेंस पे वो अलाउड नहीं होता है एट ऑल, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में, कैश बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किसको अप्लाई नहीं होगी। ऑप्शन है फॉरेन बैंक्स इंडिया, बी ऑप्शन स्टेट कॉपरेटिव बैंक, सी ऑप्शन एसबीआई और एसोसिएट, डी ऑप्शन लैंड मॉर्गेज बैंक्स। सही ऑप्शन हो जाएगा बैंक रेगुलेशन एक्ट अप्लाई होता है फॉरेन बैंक जो भारत में काम कर रहे हैं, स्टेट कॉपरेटिव बैंक्स को भी काम होगा, एसबीआई और एसोसिएट्स को भी। डी ऑप्शन है लैंड मॉर्गेज बैंक पे अप्लाई नहीं होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 में, ए चेक और ड्राफ्ट इज वैलिड फॉर 3 मंथ्स हैज बिन मेंशन इन, जो चेक है चेक ड्राफ्ट जो वैलिड होगा 3 मंथ के लिए वो मेंशन किया गया है। ए ऑप्शन है सेक्शन 138 ऑफ NIA, बी ऑप्शन हो जाएगा बैंकिंग कंपनीज एक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिसेंटली, डी ऑप्शन हो जाएगा RBI गाइडलाइंस। चेक जो है वैलिड होता है 3 महीने के लिए, ये मेंशन किस में किया गया है, ये मेंशन किया गया RBI गाइडलाइंस में, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, एवरी बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड पी एल अकाउंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर हैज बिन प्रेस्क्राइब्ड इन, बोलता है हर बैंकिंग कंपनी को जरूरी है कि वो बनाएगा बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट 31 मार्च हर साल को, जो कि प्रेस्क्राइब किया गया। ऑप्शन है सेक्शन 29A ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा कंपनीज एक्ट 1956, सी ऑप्शन हो जाएगा सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा
सेक्शन 231 ऑफ आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, सही ऑप्शन हो जाएगा ए। हर बैंकिंग कंपनी जरूरी एक प्रिपेयर करेगा बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट 31 मार्च हर एक साल का, सही ऑप्शन है ए, सेक्शन 29 ए ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, एक कस्टमर हैज राइट टू आस्क द बैंक टू रिटर्न हिम ए पेड इंस्ट्रूमेंट अंडर, बोलते कस्टमर का अधिकार होता है जहाँ बैंक को बोलेगा रिटर्न करने के लिए पेड इंस्ट्रूमेंट, ए ऑप्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, बी ऑप्शन है बैंक रेगुलेशन एक्ट के तहत, सी ऑप्शन आरबीआई एक्ट के तहत, डी ऑप्शन है कंपनीज एक्ट के तहत, सही ऑप्शन हो जाएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, यानी जो कस्टमर है उसका अधिकार होता है बैंक को रिटर्न करने का पेड इंस्ट्रूमेंट बैंक रेगुलेशन एक्ट के तहत, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, जो टर्म है टर्म द टर्म ऑफ करेंसी नोट ऑफ इंडिया रेफर्स टू, जो करेंसी नोट ऑफ इंडिया है वो किसको रेफर कर रहा है सर, ए ऑप्शन है 100 रुपी नोट, बी ऑप्शन है 5 रुपी नोट, सी ऑप्शन है कॉइन, डी ऑप्शन है कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कॉइन एंड कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ हमारे पास एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए क्लर्क से ऑफिसर के लिए, एसबीआई प्रमोशन एग्जाम क्लर्क टू जेएमजीएसएन ऑफिसर का हमारे पास कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए, जो कि प्योरली फॉर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, आरओएन की वीडियो डिस्कशन करेंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9668527, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbcbstudio.com, ईमेल आईडी जो सीट से नंबर 3@gmail.com, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, थैंक यू वेरी मच।